मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम हरियाणवी भाषा की जो बोलियां हैं उन पर चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको बताया भी था कि हरियाणवी भाषा जो है बहुत प्रचलित भाषाओं में से एक है, और इसका विकास जो है प्राचीन काल की जो भाषा है शौरसेनी भाषा से इसका विकास हुआ है। शौरसेनी भी कभी अपने समय में एक बोली थी, और जैसा मैंने आपको बताया था प्राचीन काल में जो मागधी भाषा इस्तेमाल की जाती थी उसी की एक क्षेत्रीय बोली थी ये शौरसेनी, और इस शौरसेनी से ही जो है हरियाणवी भाषा का विकास हुआ था। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि कोई भी भाषा अपना विकास अपनी समृद्धि को तभी प्राप्त करती है जब उसकी बोलियाँ प्रचलित हों, क्योंकि बोलियाँ किसी भी भाषा को खूबसूरती प्रदान करती हैं, उसमें जो है एक अपनेपन का गुण लाती है। जितनी ज़्यादा बोलियाँ होती हैं उतनी उस भाषा का ज़्यादा विकास होता है। तो आज हम हरियाणवी भाषा की बोलियों पर चर्चा करेंगे, जिसको मुख्यतः 6 बोलियों में बांटा गया है। हरियाणवी भाषा की जो मुख्य बोलियाँ हैं वो 6 हैं, जैसा कि मैंने यहाँ दिखा भी रखा है। पहली बोली है बांगरू। बांगरू क्या है? ये हरियाणा की एक प्रमुख बोली है, और बांगरू का मतलब है बांगर विशेष, एक क्षेत्र विशेष के लिए बांगरू बोली का इस्तेमाल किया जाता है। इस क्षेत्र के इस जो बांगरू जहाँ जहाँ बोली जाती है उसके क्षेत्र हैं भिवानी, जींद, रोहतक, हिसार, करनाल, कैथल, सोनीपत, ये इन क्षेत्रों में बोली जाती है। और बांगरू का क्षेत्र जो है काफ़ी प्रचलित है ये बांगरू भाषा। जैसा कि आपको मैंने बताया भी था जब हमने उपभाषाओं की बात की थी हिंदी की, तो उसमें जो 5वीं आपकी उपभाषा थी हरियाणवी या बांगरू खड़ी पश्चिम हिंदी के अंतर्गत, तो ये हरियाणवी या बांगरू काफ़ी बड़े क्षेत्र में बोली जाती है, क्योंकि ये जो है प्रमुख बोलियों में से एक है हरियाणवी भाषा की। दूसरा ये है कि हरियाणा के मध्य में एक बड़े हिस्से में बोली जाने के कारण जो है इसको हम बीच का हिस्सा कहते हैं, तो उसको हम इस वजह से इसको बांगरू भी कहते हैं। तो ये हरियाणा की प्रमुख बोलियों में से एक है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हरियाणवी भाषा जो है वो दिल्ली और हरियाणा के देहाती इलाकों में बोली जाती है, और कुछ इसका सीमावर्ती इलाका है जहाँ आगे जो बोलियाँ आएंगी जैसे मेवाती है, वो कई राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के सीमावर्ती क्षेत्रों में भी बोली जाती है। तो हमारी हरियाणवी भाषा और इसकी बोलियाँ अपने आप में समृद्ध हैं। यदि हम दूसरी बोली की बात करते हैं तो दूसरी बोली है बागड़ी। बागड़ी, बागड़ क्षेत्र हम हरियाणा में उसको कहते हैं। बागड़ एक तरह का टीले को कहते हैं, जो टीला ऐसे टीले ऐसा स्थान जो नदियों से ऊपर होते हैं, वहाँ जो है नदियों से ऊपर जो टीलों पर जो स्थान बसाए जाते हैं उनको हम बागड़ कहते हैं। तो बेसिकली ये बागड़ी होती है, ठीक है। तो बागड़ क्षेत्र में बोली जाती है। बागड़ मैंने आपको बताया दिया, नदी किनारे की ऊंची भूमि को बागड़ कहते हैं। इसमें जो मुख्यतः क्षेत्र हैं भिवानी का पश्चिमी क्षेत्र है, ये भिवानी के पश्चिम से बहर से शुरू होकर के हिसार के सिवानी, दबरा कला और फिर सिरसा की तरफ चली जाती है, एलनाबाद, चोटाड़ा, डपवाली तक जो है ये बागड़ी बोली जाती है। बागड़ी बोली की खास बात होती है इसमें जो है अंत में कोई भी आप शब्द बोलेंगे तो उसमें डा शब्द आपको बागड़ी, बागड़ का जो डा शब्द आखिरी का वो आपको बहुत सारे शब्दों में देखने को मिलेगा। जैसे मेरा नाम लोकेश है तो बागड़ी भाषा में मुझे बोलेंगे लोकेशड़ा, देवेशड़ा, दीपकड़ा, खायड़ा, जायड़ा, पकड़रा, इस तरह का अडाड़ा शब्द इसमें बहुत ज़्यादा आपको मिलेगा। और भिवानी में आप जाएंगे तो भिवानी में आपको जैसे जैसे आप लोहारू की तरफ जाते हैं तो वहाँ आपको बागड़ी काफ़ी भाषा में बोलने को मिलेगी। इधर आप सिरसा जिले के जो है एलाहाबाद इलाके में जाएंगे, एलाहाबाद है, ओड्डा है, उन क्षेत्रों में जाएंगे तो वहाँ आपको बागड़ी काफ़ी भाषा काफ़ी क्षेत्र में बोलने को मिलेगी। दूसरा बागड़ी का जो क्षेत्र है वो बांगरू, अहिरवाटी, शेखावटी भाषा भाषियों से घिरा हुआ है, क्योंकि मैंने जैसा आपको बताया कि हरियाणा में काफ़ी सारी बोलियां बोली जाती हैं हरियाणवी भाषा की जो बोलियां हैं, तो इसी प्रकार जो है बागड़ी से जो है शेखावटी भी, बांगरू भी और अहिरवाटी भी, ये सारी मिक्सर बोलियां बोली जाती हैं, मिलाकर के बोली जाती हैं। जो बागड़ी का क्षेत्र है वहाँ आपको अहिरवाटी भी सुनने को मिलेगी, वहाँ आपको बांगरू भी सुनने को मिलेगी, और वहाँ आपको जो है बागड़ी तो सुनने को मिलेगी। तो ये बोलियां हैं, और बोलियां आपको मैंने बताया था कि हर 2-3 किलोमीटर पर जो है हमारी बोलियों में परिवर्तन आ जाता है। भाषा तो फिर भी एक रहती है लेकिन बोलियां हर 2-4-5 किलोमीटर के बाद उसमें नए नए शब्द आ जाते हैं, तो इसलिए बोलियों में आपको काफ़ी विभिन्नता देखने को मिलेगी। यदि हम हरियाणवी भाषा की तीसरी बोली की बात करते हैं तो वो है अहिरवाटी। अहिरवाटी आपको पता है हरियाणा की प्रमुख बोलियों में से एक है, ये अहिरवाल के क्षेत्रों में बोली जाती है, और इस बोली का क्षेत्र जो है हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान, इस बोली का क्षेत्र अहिरवाटी का जो क्षेत्र है वो 3 राज्य हैं, उसमें हरियाणा भी आता है, उसमें दिल्ली भी आता है और उसमें राजस्थान भी आता है। यदि हम हरियाणा के क्षेत्रों की बात करते हैं तो आप जैसे झज्जर से निकलते हैं उसमें रेवाड़ी है, कोसली है, नारनौल है, महेंद्रगढ़ है, पटौदी है, और झज्जर का एक खेती खेती खासवास गांव भी है, खेड़ी खातीवास,
खेड़ी खातीवास गांव भी है, वहां का जो सीमावर्ती इलाका है वहां पर भी आपको जो है अहीर वाटी बोलने को मिल जाएगी इसके आसपास, खेती खेड़ी खातीवास के आसपास। तो ये इसके अलावा जो है ये आपको जो अहीर वाटी है ये भिवानी में भी आपको देखने को मिलेगी, ये आपको गुरुग्राम में भी आपको जो है बोली सुनने को मिलेगी, और राजस्थान में कोटपुतली किशनगढ़ ये एरिया है, क्षेत्र हैं जहाँ पर ये अहीर वाटी बोली जाती है। तो अहीर वाटी में आपको क्या है कि इसमें आपको ब्रज भाषा का भी, हरियाणवी का भी, ब्रज भाषा का भी और अहीर वाटी, इसमें तीनों का मिश्रण मिलेगा। अहीर वाटी की खास बात है कि इसमें कई बोलियों का आपको मिश्रण मिलेगा, जब आप इसको सुनेंगे तो इसमें आपको ब्रज के शब्द भी सुनाई देंगे, इसमें आपको बांगरू के शब्द भी सुनने को मिलेंगे, और अहीर वाटी जो अहीरवाल का क्षेत्र है कोसली यहाँ का, इसमें तो वो वाले शब्द आपको सुनने को मिलेंगे। यदि हम हरियाणवी भाषा की अगली बोली की बात करते हैं तो उसमें अगली बोली है हमारी कौरवी। कौरवी आपको पता है, कौरवी आपकी जो है प्रमुख बोलियों में से एक है, और बेसिकली ये क्या है कि अम्बाला और मेरठ कमिश्नरियाँ, कमिश्नरी में आपको पता है काफ़ी बड़ा क्षेत्र आता है, कई जिले आते हैं, तो ये मेरठ और आपका जो अम्बाला कमिश्नरी है उनमें बोली जाने वाली एक प्रमुख बोली है। यदि हम इसके क्षेत्र की बात करते हैं तो हरियाणा में करनाल है, रोहतक है, हिसार है, इस इन क्षेत्रों के अंदर जो है कौरवी बोली का इस्तेमाल किया जाता है। यदि हम हरियाणा से बाहर की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में सहारनपुर है, मुजफ्फरनगर है, बिजनौर है, यहाँ पर भी जो है कौरवी बोली का इस्तेमाल किया जाता है, और मेरठ जिले की जो बागपत तहसील है उसको हम कौरवी बोली की, उसको हम कौरवी बोली का जो है टकसाली क्षेत्र मानते हैं। टकसाली क्षेत्र होता है जहाँ वो प्रिंटेड रूप में, जहाँ लिखित रूप में, जहाँ आपको कोई साहित्य मिल जाए, जहाँ वो टकसाल में ढाली जाती हो, लिखित रूप में उसका मुद्रित रूप में उसका रूप देखने को मिलता हो, तो वो ये रूप है। तो यदि हम बात करते हैं इसके उत्तर में, क्योंकि कौरवी हरियाणा की प्रमुख बोलियों में से ये है, यदि हम उत्तर की बात करते हैं तो उत्तर में देहरादून और अम्बाला इस बोली के काफ़ी प्रसिद्ध क्षेत्र हैं। यदि हम पूर्व की बात करते हैं तो इसमें मुरादाबाद, रामपुर बड़े क्षेत्र हैं यूपी के जहाँ पे कौरवी इस्तेमाल की जाती है। यदि हम दक्षिण की बात करते हैं तो उसमें उत्तर प्रदेश का बुलंदशहर है और हरियाणा का गुड़गांव है। तो ये बड़े बड़े क्षेत्र हैं जिसमें ये कौरवी बोली, हरियाणवी भाषा की प्रमुख बोली इस्तेमाल की जाती है। यदि मैं अगली बोली की बात करता हूँ हरियाणवी भाषा की, तो अगली बोली हमारी मेवाती। मेवाती आपको पता है, जैसे नाम से ही आपको पता लग रहा है, मेवाती का मतलब है जो मेवात के क्षेत्र में बोली जाती है, तो मेवात में बोली जाने के कारण ही इसको मेवात जो है मेवाती कहते हैं। और ये क्या है कि मेवात का जो क्षेत्र है वो हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान का सीमावर्ती इलाका है। इस सीमावर्ती इलाके में क्या है कि मेव जाति निवास करती है। ये मेव लोग वो हैं, बेसिकली ये हिंदू हैं, लेकिन क्या है कि औरंगजेब के समय में, जब मुगल सम्राट औरंगजेब था, गद्दी पे बैठा था, तो उस समय जो है ये जो आसपास के लोग थे इन्होंने डर की वजह से जो है इस्लाम धर्म अपना लिया था, और ये जो है कन्वर्टेड हिंदू हैं। तो ये सीमावर्ती इलाकों में आपको मिलेंगे, जैसे हरियाणा का सीमावर्ती इलाका है मेवात का, गुड़गांव से आप आगे जाते हैं राजस्थान का सीमावर्ती इलाका है, ऐसे आपका उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती इलाका है। तो इन सीमावर्ती इलाकों में ये मेव जाति जन निवास करती है, और वहीं से जो है इस मेवाती बोली का उदय हुआ माना जाता है। यदि हम हरियाणा में इसके क्षेत्रों की बात करते हैं तो इसमें सोना है, नू है, तावड़ू है, फिरोजपुर झिरका है, ठीक है, नगीना है, बावल है। यदि हम राजस्थान की बात करते हैं तो ये भरतपुर और अलवर जिलों के अंदर जो है मेवाती बोली का काफ़ी प्रचुर मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है। तो मेवाती बोली भी हरियाणवी भाषा की प्रमुख बोलियों में से एक है, इसका अपना एक विशेष स्थान है। यदि मैं अगली बोली की बात करता हूँ तो अंतिम बोली आपकी जो है ब्रज भाषा। ब्रज भाषा आपको पता है, अब आप सोचते होंगे कि ब्रज भाषा तो ब्रज में ही बोली जाती है, उत्तर प्रदेश में ही बोली जाती है, मथुरा, वृंदावन, कोसी, बरसाना वगैरह में, लेकिन हमारा हरियाणा का कुछ इलाका ऐसा है जो बिल्कुल उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों से टच करता है, जहाँ से आपका कोसी, मथुरा, वृंदावन नज़दीक पड़ते हैं। इसमें फरीदाबाद और आपका जो नया जिला बना है पलवल, फरीदाबाद और पलवल जिलों के अंदर जो है ब्रज भाषा काफ़ी इस्तेमाल की जाती है। बल्लभगढ़ इसका क्षेत्र है, होडल इसका क्षेत्र है, जहाँ पर जो है ये भाषा जो है काफ़ी मात्रा में इस्तेमाल की जाती है। तो ब्रज भाषा मैंने आपको बताया था काफ़ी मीठी बोली है, इसको भाषा का दर्जा प्राप्त है, लेकिन ये बोली है, और हरियाणा में भी हम इसको जो है प्रमुखता से बोलते हैं। अब फरीदाबाद जिले में जाएंगे, पलवल जिले में जाएंगे तो वहाँ आपको बहुत सारे लोग ब्रज बोली बोलते मिलेंगे। तो इस बोली की भी बड़ी खास बात होती है, इस बोली में क्या होता है, डे और ले वर्ण र में बदल जाता है। जैसे इसमें क्या होता है, हमने काला शब्द बोलना है तो कारा शब्द इसमें कारा हो जाएगा, जैसे कारो कारो जमुना जी को पानी लग गए, कारो कारो मैंने काला, तो इसमें जितना भी आपका ले होता है वो र में बदल जाता है।
ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ये बोली जो है हरियाणा में प्रमुख रूप से बोली जाती है, इसका अपना एक क्षेत्र है, इसका अपना एक अपनी एक इसकी खूबसूरती है ब्रज बोली की, जो हरियाणा के अंदर प्रचुर मात्रा में इस्तेमाल की जाती है। तो मैं समझता हूँ स्टूडेंट्स, मैंने आपको जो आज हरियाणवी भाषा की बोलियों के बारे में संक्षिप्त परिचय दिया, वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। फिर किसी दूसरे लेक्चर में आपसे दोबारा हरियाणवी भाषा के उद्भव और विकास के किसी अन्य विषय पर दोबारा से चर्चा करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।